तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा चैनल पे या खास फन पे। और मैं सुभाष राय, आज मेरा साथ है धावा लामा और कुछ दोस्तों, और हम लोग आज जा रहा है कुछ नया जगह पे, जो कि दिलाई वाटरफॉल्स है जो सेंजांग क्वारी की तरफ में पड़ता है। और ये हम लोग का पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है वहाँ का लिए, क्योंकि मैं भी गया नहीं और धावा पे गया नहीं। और अभी रोड के बारे में एक्सप्लोर तो करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ रोड में। अभी फ़िलहाल हम लोग खटखटी भी है और हम लोग जा रहे हैं, अभी दोस्त लोग सब आगे निकल गए हैं, हम दोनों सिर्फ पीछे पे है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और धावा भी एक्साइटेड है। अब देखना है कि जाके कैसा होगा, क्योंकि नया जगह पे जा रहा हूँ, तो मिलते हैं वहीं पे। और अभी हम लोग दोस्तों, अभी हम लोग पीडीपी के जंगल पे है। और ये देखो बाबू भैया और चंदू पीछे तरफ आ रहा है, और जो दो दोस्त आगे तरफ निकल गया है। और हम लोग अभी स्लो ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ जो बोलते हैं ना ना क्या दावा, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। अभी थोड़ा दूर जाने के बाद शायद हम लोग को राइट मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नया जगह है। अभी देखना है कैसा रास्ता होगा। ठीक है, देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल व्यू। लेकिन कंडीशन ऑफ रोड इज वर्स देन द नाइटमेयर। पर आप देख सकते हैं इधर जो पहाड़ और ये धान खेती, इसका कॉम्बिनेशन देखिए आप, इतना सुंदर। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, देखिए जाता है। ये देखो ये लोग गुम हो जाता है हमेशा, ये दो देखो, ये गुम होने ये हमेशा गुम हो जाता है। अभी हम लोग फिलहाल पहुंचने वाला है सेंजांग क्वारी, प्लेस का नाम सेंजांग ना क्या है, आप देखना है, एक्सप्लोर करना है, किस तरह से एक्सप्लोर करेगा देखेगा जाके। पहली बार जा रहा हूँ और यहाँ पे रास्ता थोड़ा अच्छा मिला है, अभी इतना दूर आने के बाद रास्ता अभी थोड़ा अच्छा मिला है। शायद ये पार्क की वजह से रास्ता थोड़ा अच्छा बनाया होगा, क्योंकि अभी पहुंचने वाला है बोला, तो पहुंचने वाला का इम्प्रेशन जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन और द बेस्ट इम्प्रेशन, वैसे ही जो शुरुआत का दिखाने के लिए जो खुद जो मैं देखूँगा वो आप लोग को भी दिखाऊँगा मैं, क्योंकि अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका लोकेशन में भेज दूंगा। देखिए ओ माय गॉड, रियली बीन लाइक एडवेंचरस जर्नी। आप देखिए उधर पहाड़ जो तोड़ रहा है, सो ब्यूटीफुल। आपको कैमरा पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल रियल पे बहुत बड़ा है। Finally guys, we are on our destination, little to go, but I think we almost reach. So अभी थोड़ा मेरा भी कुछ बिगड़ा हुआ ठोकरा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि
ब्लॉक मेरा है तो मेरा ठोकरा भी कुछ थोड़ा तो आना पड़ेगा ना, पार्ट ऑफ ए जॉक्स, बट सच बात है। और आप लोग को बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा बहुत, जो कि बहुत खूबसूरत है। ओ हम लोग खतरा है हम नहीं है, देखो हम लोग राइडर। ये पत्थर का बरसात, तो कैसा लगा तुम्हें रास्ता का कंडीशन और जो हालात देखे? एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ तो एज कम्पेयर टू पिछले वाला, इससे बड़ा खतरनाक। देखिए आप पहाड़ भी देख सकते हैं ना, रोड कंडीशन एक्सट्रीम लेवल। रोड कंडीशन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? रोड तो अभी नया नया है ना, बना रहे हैं अभी, नेक्स्ट ईयर के लिए तो अच्छा ही होगा ना। अभी हम लोग भी नया नया है, जगह भी अभी एक साल हुआ बोल रहे हैं खुला वाला, हम लोग भी जाके देखता है कैसा है बोल के ना। ठीक है, हम लोग भी नया चीज है आज के लिए। ठीक है, आज पहली बार आया है, देखता है क्या क्या वाटरफॉल्स है। ये दिलाई वाटरफॉल्स है, ये अभी देखना है जाके आगे जाके कैसा होगा। ठीक है, थैंक यू। ऊपर में देखो वो भाई, ऊपर में देखो क्या अच्छा है, जो घर जैसा देखो तो घर ही है ना। हम लोग 50-100-200 फुट का नीचे में हाँ ना, वो देख सकते हैं आप लोग ऊपर में, जो इतना अच्छा, जो एक गोल्फ का प्लेग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन लैंड का जैसा। और रास्ता तो माउंटेनिंग बाइक चाहिए इसमें, जो है ना ये सिर्फ पत्थर से भरा हुआ एक खजाना है यहाँ पे, पत्थर का। और दोस्तों लगता है हम लोग यहाँ से अभी पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आगे पे बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ रहा है और ये रिस्की भी है, हम लोग को अभी चल के जाना पड़ेगा। और दोस्तों अभी चलना शुरू कर दिया हम लोग ने, और अभी देखिए इधर पूरा पत्थर पूरा फोड़ रहा है, तोड़ रहा है। अभी ये बाबू भैया दौड़ रहा है, उसको जिसे भी देखा तो पहले चला रहा था इसलिए चढ़ने के लिए, अभी वो दौड़ते हुए जिसे को ऊपर में चढ़ गया। दोस्तों इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। देखिए आप कितना सुंदर सा झरना और कितना सुंदर सा पानी, नदी और पहाड़ पत्थर, देखिए आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इसका जो साउंड, जो पानी का आवाज़ आ रहा है ना, वो कितना एक जो फ्रेशनेस है ना जो। और यहाँ पे एक भाई नहा रहा है एक छोटा सा झरना की नीचे में, क्यूट सा झरना। ये भाई को बुलाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ओ भाई हेलो ओ इधर हाय बोलो, हाय। ठीक है जा रहा है, और इधर फिर निकला हम लोग। निकलने के बाद देख सकते हैं आप, ऐसा लगता है कि अमेजन का जंगल में घुसने वाला है अभी हम लोग। दिन में भी पूरा अंदर जैसा लग रहा है हमको तो, और मेरे दोस्त सब मुझे छोड़ के चला गया है आगे तरफ में बात करने के चक्कर में। मुझे थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, अभी देखना है कि वो लोग कहाँ पहुँच गया अभी जंगल। और मेरा यहाँ पे फिर मेरा कॉलर माइक अटक गया है। और ये लोग यहाँ पे पहुँच गया, कैसा चल रहा है रे इतना स्पीड, ये लोग रोको ना हमको भी यार, तुम लोग क्यों इतना जल्दी जल्दी चल रहे, कहाँ भागे जा रहा है यार। स्लिप हो गए गिरने से, फिर तुम्हारा घुटना टूटेगा, देखो हाँ चंडू भाई, देखो टूट जाएगा कितने गिरने से, देख के चलो हाँ। चंदन को देखो पूरा बांदर की तरह उछल उछल के चल रहा है। इतने स्पीड से कोई रोक नहीं पा रहा है उसको। ओ ओ ओ ओ ओ दावा, इसीलिए बोल रहा हूँ देख के चलो भाई, तुम्हारा सर हेलमेट लगा के चलो अभी, तुम हेलमेट लगा के चलो भाई, अपना सुरक्षा अपना जिम्मेवारी। ऐसे में तो ये लोग तो टिकट नहीं देना चाहिए था ना, क्योंकि अभी तक तो इतना मेंटेनेंस भी नहीं है, वो सिर्फ ये एरो दिया गया है इतना जाओ उतर जाओ। और रास्ता भी देखो आप, पूरा रास्ता क्या बोलेगा, जैसे सिर्फ पत्थर ही पत्थर ही है, और पत्थर के बीच से इतना स्लिप है ना पत्थर, और इधर झरना पानी देखो। हालांकि बहुत सुंदर एक शांत सा एक पीसफुल सा माइंड होता है, लेकिन
होता है ना जो लेने वाला चार्ज अभी नहीं लेना नहीं लेना चाहिए था वो लोग को, क्योंकि ठीक ही है तब भी इतना ज़्यादा नहीं ले रहा है, सिर्फ ये एरो का मार्क के हिसाब से हम लोग चल रहा है। अभी बहुत दूर है अभी जाना, फिर क्या होगा ऊपर में जाके देखना मिल पड़ेगा कि क्या है ऊपर पे। अभी जा रहा हूँ मुझे मेरे जूता भिजाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन इतना स्लिपी है कि ये खाली पैर में चल नहीं सकूँगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए मेरा शू मैंने भिजा दिया है। ये स्टोन इतना स्लिपी है कि मत बोलिए, इसलिए अभी जूता भिजा हुआ जूता लगा के चलना पड़ेगा मुझे। ताजन वाला फीलिंग आ रहा है मुझे ये जंगल देख, शायद आप लोगों को भी वही आ रहा होगा, लेकिन मस्त है ऊपर में और कितना मस्त होगा आप लोग को भी पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको ऊपर में जाके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग करीब 150-200 फीट नीचे थे दोनों तरफ में, रॉक माउंटेन बोलो या क्या बोलो, रॉक माउंटेन है, स्टोन और आगे तरफ में नदी जो गया हुआ है जहाँ पे झरना है बोल रहा है, वो झरना ढूंढते ढूंढते हम लोग जा रहे हैं आगे आगे की तरफ में। अब देखना है कि कितना दूर जाना पड़ेगा, फिर वीडियो के चक्कर में मैं अकेला रह गया लास्ट में। ओह दोस्तों वहाँ पर पहुँच गया है, वो लोग रुक रहा है मुझे, अभी मैं भी वो लोग के साथ ही चलना पड़ेगा क्योंकि जंगल है कुछ भी हो सकता है, बहुत डर लग रहा है हमको तो, स्लीप है ना इतना स्लीपी है क्या मत पूछो। अरे बाबा अरे आप लोग जरूर आओ एक बार, वो मेरा जूता देखो ये भीज गया है पूरा तरफ है। ओह ये झरना का आवाज़ पूरा दिल छू देता है, जो आवाज़ मरता है ना ये झरना वो दिल में लग जाता है। ये बाबू भैया का ये बाहला देखो, चार बच्चे की जैसे चार पाँव चल रहे क्रॉल कर करके। और यहाँ भाई लोग आया है, वो बस टेंगा बोलता है ना जो, वो ढूंढने के लिए आया होगा शायद यहाँ का लोकल होगा भाई लोग। देखो दोस्तों और यहाँ पे देखो ऐसा गुफा है, इसका अंदर में क्या हो सकता है, देखो इसका अंदर में क्या हो सकता है। चलो भागो भागो रे भाई। One hour later.
ए भाई भाई डांस करो, डांस डांस पोज नहीं, डांस डांस वीडियो है वीडियो। चलो डांस करो, तुम करो तुम। सलवार भाई ये कितना दूर जाना है, फिर एक घंटा तो हो ही गया अभी। और दोस्तों लगता है अभी हम लोग अपना मंजिल पे आ ही गया। ये दिलाई अलांग कंगसू दिलाई वाटरफॉल्स पास पे थे, इसका ऊपर में शायद वो झरना जो वाटरफॉल्स तो शायद जो हम भूल रहे हम लोग भूल रहे थे एक घंटे से, उसका ऊपर में हो सकता है शायद आ ही गया दोस्तों। ये दोस्तों और जो जो चीज़ का तलाश था हम लोग को, जो डेढ़ घंटे से हम लोग ढूंढ 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 के थक गया, अभी आखिर आ ही गया है मेरे साइड पे। और ये मैं आप लोग को रिवील करने जा रहा हूँ अभी, देखिए देख पा रहे हैं दोस्त लोग आप, जितना हम लोग मेहनत करके आया था सब रंग लाया और दिल खुश हो गया। देखिए ये झरना देखिए, आप लोग भी ज़रूर आइए ये दिलाई वाटरफॉल से, ये दिलाई का अंडर में गिरता है कार्बी आंगलोंग, इस कार्बी आंगलोंग आसाम पे गिरता है। और अगर किसी को लोकेशन के बारे में कुछ कंफ्यूजन होने से पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर आपको सहायता करूँगा। और दोस्तों किधर बैठा हुआ है, क्लिप 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 पूरा इतना क्लिप है ये स्टोन पत्थर। अब देखना है कि यहाँ पे क्या कर सकेगा, यहाँ नहाने के लिए तो यहाँ नहीं सकेगा क्योंकि बहुत डीप है यहाँ पे पानी से। तो अभी फिलहाल मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, अभी देख के देखता है क्या होगा। और यहाँ पे ये भाई लोग ड्रोन उड़ाने की कोशिश बोल रहा हूँ, ओए इधर मत उड़ाओ मत उड़ाओ, इधर हवा से उड़ाने के लिए नहीं देंगे, इधर बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, देखो हाँ मत उड़ाओ बढ़ के। अभी उड़ाने ला बोला ला, लग गया ना, गया पानी पे। बोला था ना मैंने तुम लोग इधर मत उड़ाओ, अभी कहाँ उड़ेगा तुम। दोस्तों आप लोग ने देख ही लिया है कि हम लोग का ड्रोन किस तरह से आके उड़ने से पहले ही आके मेरा फ़ोन पे टकरा के सीधा नीचे में झरने की तरफ गिरा। अभी वो मिलना तो नामुमकिन होगा शायद, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। चलो अभी हम लोग का ड्रोन तो गया, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे तो नहाने नहीं सक रहे हैं इसलिए हम लोग नीचे की तरफ जा रहा है नहाने के लिए, देखते हैं उधर कैसा होगा। नाक में पानी ढुका तो गाइस आज का ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक ही खराबी हुआ कि हम लोग का ड्रोन बह गया। और अभी मुझे ये हम लोग का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। बाय बाय।